guys, I am Ashna and welcome back to my channel. As you can see, we have so many boxes mere peeche because aaj hum kar rahe bahut sare home decors aur home se related cheezon ke unboxing. So sari ki sari cheeze jo bhi mere peeche hain ye either Amazon se order kari hui hai ya fir Meesho se. Majority Amazon se hai because last video mein you guys wanted me to do a Amazon home decor edition video. So ek do cheeze Meesho ki hai but majority are from Amazon. To sabse pehle स्टार्ट करते हैं इस छोटे वाले बॉक्स से. तो मैंने इनके ऊपर ना लेबल करके रखा है, मुझे पता है कि किसके अंदर क्या है, बट मैंने इसलिए लेबल करके रखा था क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस आते रहते हैं अलग अलग वीडियो से रिलेटेड. तो अलग अलग जो भी चीज़ें उनको मैं साइड में कर देती हूँ वीडियोज के हिसाब से. तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कॉफ़ी टम्बलर, मीन्स इसमें कॉफ़ी वाला ग्लास है. सो दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर. तो इसे मैंने ऑर्डर करा है स्पेसिफिकली फॉर कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोई भी कोल्ड बेवरेज ले सकते हो आप इसमें. बाय द वे, मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. सो दिस इज़ द टम्बलर, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. सो प्रिटी, सो एस्थेटिक. सो इट इज़ ग्लास, सो प्लस पॉइंट फॉर दैट, क्योंकि मुझे प्लास्टिक में कुछ भी ड्रिंक करना या फिर खाना नहीं पसंद. आई इधर प्रेफर स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास. सो दिस इज ग्लास. वो इसे ऐसे भी रख सकते हो पानी वानी पीने के लिए या फिर कैप लगा के भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई गॉट. सो दीज कप्स ऑल्सो कम्स विद ग्लास स्ट्रॉ. By the way, are you guys enjoying the better quality? This is my first ever video I'm recording on my new vlogging camera. Okay, next इसको ओपन करते हैं. ओके, मुझे पता है इसमें क्या है. तो इसमें है थ्रो ब्लैंकेट. सो ये है काउच थ्रो ब्लैंकेट. सो बेसिकली इस काउच के लिविंग रूम के लिए लिया है मैंने. अभी तो मौसम ऐसा है कि ना गर्मी है ना ठंड है, ना हीटर चल रहा है ना फैन एसी चल रहा है, बट जब गर्मी में एसी चलता है तो कभी कभार थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. प्लस इट वर्क्स एज अ डेकोरेटिव पीस, तो इसके लिए मैंने ये थ्रो ब्लैंकेट लिया है. इसमें क्लोजअप से देखो तो इट हैज़ डिटेलिंग एज वेल. तो ये था सेकेंड प्रोडक्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पहले सारे छोटे छोटे पैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. दिस इज अ मिरर, ये है मैक्रमे मिरर. ओ हाय, अभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया. सो आई ऑलरेडी हैव वन, तो मैं चाहती थी कि टू या थ्री का सेट बना के साथ में दीवार में वॉल में हैंग करने के लिए. सो कुछ ऐसा दिखता है पास से, इट हैज सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग. अभी थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है बट आई थिंक थोड़े दिन में यूज़ करके लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगा. अभी भी हो गया ठीक. और ये ऐसे हैंग करने का दे रखा है पीछे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. आई थिंक दिस वन इज फ्रॉम Meesho. सो क्यूट. तो ये मैंने वेस्ट लिया है फॉर माय लिविंग रूम. और ये कहाँ पर रखा जाएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट द वेस्ट लुक्स लाइक. ये है सिरामिक वेस्ट, सो इस पर आर्टिफिशियल या फिर रियल फ्लावर्स कुछ भी रख सकते हो, अंदर पानी भी डाल सकते हो. बट क्यूट सा है वो. इसको खोल ले, मेरा नेल टूट गया. लेट्स मूव ऑन टू दिस बॉक्स. मुझे इस बॉक्स में भी नहीं पता कि क्या है. इसमें है ग्लास सेट 6 पीस का. तो मुझे एक पूरा नया सेट चाहिए था. मैंने 6 पीस का सेट लिया है ग्लासेस का. ये लिया है मैंने नया ग्लास का सेट. काफ़ी यूनिक शेप है इसका. तो इसमें कोल्ड ड्रिंक पानी कुछ भी पी सकते हो आप. तो ये सारा सेट इसी ग्लासेस का है. आई थिंक ये ऑर्डर गलत आ गया है गाइस, क्योंकि मैंने ये तो ऑर्डर नहीं किया. गाइस कमेंट में बताओ इस वाले पैकेज को रखूं या फिर रिटर्न डाल दूं. जंप. अब ओपन करते हैं ये बॉक्स. कुछ तो ग्लास की. आई थिंक ये भी Meesho का है क्योंकि कहीं पर भी अमेज़न की पैकेजिंग नहीं है इसमें. तो इसकी पहले पिक्चर देख लो क्योंकि पैकेज में अलग ही पैक हो रखा है. तो ये मैंने लिया है अपने बाथरूम के लिए, क्योंकि बहुत सारा सामान स्किन केयर वगैरह ना सब ऐसे फैल जाता है. तो मुझे एक डेडिकेटेड जगह चाहिए थी उसको तो एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए. इसको मैं बाद में सेटअप करके दिखाती हूँ, बट फॉर नाउ आई थिंक क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है फॉर द प्राइस. आई फिर काफ़ी मेरे को तो सस्ता लगा था मेरे हिसाब से. तो 1 2 3 4 4 शेल्व्स हैं इसमें.
और काफी बड़ा है, मुझे तो छोटा लगा था। बाथरूम में भी नहीं तो आप इसको किचन में भी रख सकते हो, आप जहाँ पर भी रखना चाहो ऑब्वियसली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, सिर्फ दो बॉक्सेस बचे हैं तो इस वाले को ओपन करते हैं। मैंने भारी है तो ये है शेल्फ विड्रॉअर, मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, ये प्लास्टिक वाले हैं। तो ये मैंने लिया है अपने स्टूडियो रूम के लिए, बिकॉज जो मैंने टेबल लगा रखी है अपने स्टूडियो रूम में तो मैं मेकअप वगैरह भी उसी पे करती हूँ, अगर कभी कुछ काम करने के लिए बैठना होता है तब भी मैं उसी पे करती हूँ। बट बिकॉज मैं उसमें मेकअप वगैरह करती हूँ और कुछ कुछ करती रहती हूँ तो फिर वो ना हमेशा बहुत क्लटर रहता है, तो मुझे एक डेडिकेटेड शेल्फ चाहिए थी जो मेकअप का सामान मैं मेकअप करके वापस उसमें डाल दूँ। So this is what I got and assemble करने के बाद this is what it looks like। मैं assemble करके यहाँ पर clip add कर दूंगी। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 shelves हैं। तो इसे open करने से पहले मैंने एक और चीज़ ली थी, वो इसी चीज़ में रखने के लिए decorate करने के लिए ली थी, तो वो अभी deliver नहीं हुआ, वो काफ़ी time दिखा रहा है delivery के लिए but तब तक बहुत late हो जाता। So ये मैंने order किया था and this is for table। तो एनी वेज वो जब आएगा तब आएगा, अगर वीडियो अपलोड होने से पहले वो आ गया तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। लेट्स ओपन इट। ओके, मैंने उल्टा ओपन कर दिया। ये टेबल अभी जहाँ रखी हुई है वहीं पर रखने के लिए मैंने लिया है, इन फ्रंट ऑफ अ कार और जो ना उसको टीवी दोनों के बीच में रखने के लिए। एक सेंटर टेबल नहीं था मेरे पास और बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी। सो दिस इज द वन आई गॉट, लेट्स ओपन इट। मार्बल जैसी फिनिशिंग है, दूर से देखोगे तो मार्बल ही लगेगा, पास से भी मार्बल ही लग रहा है बट इट इज एक्चुअली वुड और उसके ऊपर मार्बल की प्रिंट वाली प्लाई लगी हुई है। दिस इज द टेबल। So that was everything I got from Amazon and Meesho for my new home. So I really hope you guys enjoyed watching this video, and if you did then please like, comment, share, subscribe to my channel, follow me on Instagram, ye raha mera username. If you want to purchase any of these products I will make sure to leave the links in the description box. Do let me know ki video ki quality kaisi lag rahi hai, I'm still figuring out settings, abhi set hone mein thoda time lagega, and also do let me know aur kya video aap dekhna chahoge related to home, because I'm still trying to make few more videos before the home tour grand finale video. So yeah, do let me know and now I will see you guys in my next video. Bye. वो सब तो ठीक है पर अब इस कूड़े का क्या करूँ, इतना सारा जो है।